नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम एक चौंकाने वाला बात करेंगे। आप सब स्पिटिंग कोबरा का बारे में सुने हैं और आप जानते हैं जरूर। स्पिटिंग कोबरा ये अपना जहर थूकता है, स्पिट करता है और ये अपना शिकार पर सटीक वार करता है और ये बाइट कहीं नहीं करता है। ये पहले जहर स्पिट करता है, थूकता है, उसके बाद उस जो शिकार है वो आधे से एक घंटे के भीतर इसका मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसको वो खाता है। दोस्तों क्या आप कभी आज से पहले सुने हैं कि भारत में स्पिटिंग कोबरा पाया जाता है? तो आज हम इसी का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो हमारा भारत में उड़ीसा में भद्रक जिले में एक कोबरा पाया गया जो स्पीड कर रहा है। पहले ही वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों स्प्रे किया था ना 20 अभी जो आप वीडियो देखें ये एक्चुअली स्पिटिंग कोबरा नहीं है, ये मोनोकोल कोबरा है। ये हमारे भारत में पाया जाता है और स्पिटिंग कोबरा हमारे भारत में नहीं पाया जाता, ये अफ्रीका में पाया जाता है। दोस्तों तो ये आप एक चीज़ देखे होंगे, ये वीडियो में ध्यान दिए होंगे, स्पिटिंग कोबरा इतना बढ़िया से सटीक ये स्पीड कर रहा अपने आप। जैसे हमारा उड़ीसा में एक मित्र है जो ये सांप रेस्क्यू किए हैं, मिर्जा आरिफ, और ये जब सांप को उठाए अपने आप ये अपने स्पीड करने लगा। एक्चुअली ज़्यादातर हम लोग देखे हैं कोबरा जो है अगर उसका फ्लैंक्स में वेनम ग्लैंड में प्रेशर पड़ता है या हाथ उंगली दब जाता है या कभी उसका टीथ जो फ्लैंक्स जो कहीं पर फंस जाता है उस समय में स्पीड होता है। पर ये स्पीड इतना बढ़िया से स्पीड हो रहा है, इस तरह स्पिटिंग कोबरा स्पीड करता है। स्पिटिंग कोबरा इससे ज़्यादा दूरी तक स्पीड करता है, लेकिन इसका जो स्पिटिंग करने का तरीका था, स्पिटिंग करने का, ये बहुत ही सटीक था। दोस्तों एक्चुअली ये जो मोनोकोल कोबरा जो आपको देखें ये मोनोकोल कोबरा है और भारत में पाया था, ये जनवरी से मार्च के बीच में इसका जो अंडा देता है और अंडा देने के बाद ये 16 से 33 अंडा देता है। अंडा देने के बाद 2 महीने के लगभग मादा सांप उस अंडे को सेने लगता है। सेने के बाद 2 महीने के बाद इसका जो है अंडे से बच्चा बाहर आता है और बाहर आने के बाद इसका बच्चा लगभग 8 से 12 इंच का लंबाई होता है। दोस्तों और जब 8 से 12 इंच लंबाई होने के बाद भी इतना छोटा होने के बावजूद भी इसका खाता वेनम जो इतना खाता है 22 जितना ही होता है। दोस्तों मोनोकोल कोबरा बहुत चौकन्ना होता है, इसका फन जो स्पेक्टिकल कोबरा से थोड़ा सा अलग होता है। स्पेक्टिकल कोबरा थोड़ा लंबा होता है, आइए गोलाकार किंग कोबरा का पूरे लंबा होता है और ज़्यादा दूरी तक उसका जो फन होता है ज़्यादा दूरी तक होता है। तो दोस्तों ये मोनोकोल कोबरा का आज जो वीडियो देखें तो इसके बारे में हम वीडियो बनाए हैं। दोस्तों आज भी इसके बारे में देखिए स्पीड जो मोनोकोल कोबरा जितना बढ़िया स्पीड किया, इसका वीडियो और एक बार ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। और उसके कभी इसका स्पिटिंग कोबरा आपका मोनोकोल कोबरा और स्पेक्टिकल कोबरा तीनों का फ्लैंक्स का जो इसका पॉइंट होता है कहाँ से पॉइजन बाहर निकालता है, और क्योंकि स्पिटिंग कोबरा थोड़ा सा ऊपर होता है और इसका स्पिटिंग करने का जिसके कारण उसका जो वेनम है बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है, लग मोनोकोल कोबरा और स्पेक्टिकल कोबरा में इस तरह नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे, तीनों का फ्लैंक्स बताएंगे और उसका फ्लैंक्स से किस तरह वेनम बाहर इंजेक्ट करता है, बाहर कितना दूरी तक जाता है और इसका तरीका कैसे, ये बताएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, हमें सहयोग करने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, हमारा आप सदा अब आपका आभारी रहेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। दोस्तों आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।